गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर प्रोजेक्ट अपडेट वीडियो। आज हम चलेंगे महाराष्ट्र स्टेट में नागपुर से 60 किलोमीटर दूर भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। भंडारा डिस्ट्रिक्ट के बीच से क्रॉस होता है नेशनल हाईवे नंबर 53, जिसे कि पहले नेशनल हाईवे नंबर 6 कहा जाता था, जो कि मुंबई और कोलकाता को कनेक्ट करता है आपस में। नेशनल हाईवे नंबर 53 एक मेजर हाईवे है नॉट ओनली फॉर महाराष्ट्र बट फॉर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात एज वेल। NH53 का जो एरिया भंडारा टाउन से क्रॉस होता है वो एक टू लेन कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। मेजर हाईवे होने की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है इस एरिया में, और टू लेन कैरेज वे होने की वजह से ट्रैफिक जैम लगना इज़ अ कॉमन थिंग ऑन दिस हाईवे, स्पेशली इन ऑफ वर्किंग आवर्स। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भंडारा सिटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए NHI बनवा रही है एक बाईपास। इस बाईपास का 4.460 किलोमीटर का एरिया ब्राउनफील्ड होने वाला है और 10.340 किलोमीटर का एरिया ग्रीनफील्ड होने वाला है। और आज हम इसी प्रोजेक्ट का अपडेट देखने वाले हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को 4 महीने पहले भी शूट किया था, साथ में हमें कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि पिछले 4 महीनों में कितना काम हुआ है अभी तक। साथ ही आपको बता दूँ, इस प्रोजेक्ट में एक 600 मीटर लंबा मेजर ब्रिज आने वाला है जो कि वैनगंगा नदी के ऊपर होगा, उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ASMR एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो easyedit.in को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में यूज़ कीजिए हमारा कूपन कोड ANSUMAN15 टू गेट 15% ऑफ ऑन जीवन ईयर्स और ANSUMAN5 टू गेट 5% ऑफ ऑन एनी अदर कोर्स अवेलेबल। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं भंडारा बाईपास में कितना कुछ काम हुआ है। इस एरिया में आप देखिए तो रोड लेइंग कम्प्लीटेड ही दिखाई देगा, क्रैश बैरियर्स को इंस्टॉल करना भी बचा है, एज वेल एज लेन मार्किंग भी बाकी है, सेंटर में भी डिवाइडर लगाना अभी बाकी है। लेकिन थोड़ा और आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में डिवाइडर लगाने का काम यहाँ पे चल रहा है, एज वेल एज आपको सर्विस लेन में भी काम होता हुआ नजर आएगा। सर्विस लेन यहाँ पे बनाया जा रहा है क्योंकि वैनगंगा रिवर के आगे और पीछे काफ़ी सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे कि वेहिकुलर अंडरपास या फिर स्मॉल व्हीकल अंडरपास बनाया जा रहा है, जो कि आसपास के गांव में रहने वाले लोग इस्तेमाल करेंगे उसका, और उसी का इस्तेमाल करके वो इस बाईपास के ऊपर ट्रैवल कर पाएंगे, उन लोगों को तकलीफ ना हो। वजह से हर एक व्हीकुलर अंडरपास से 500 मीटर आगे और 500 मीटर पीछे एक सर्विस लेन बनाया जा रहा है। और फिर आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं इस एरियाज में एश फिलिंग करने का काम किया जा रहा है। अगर मैं डिज़ाइन स्पीड की बात करूं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ड्राइव कर पाएंगे इस भंडारा बाईपास के ऊपर। और फिर हम आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट का सबसे खूबसूरत पार्ट, जो कि है वैनगंगा रिवर के ऊपर बन रहा 600 मीटर लंबा ब्रिज। इस ब्रिज का लेंथ 600 मीटर का है। आपको बता दूं 50 मीटर के 12 स्पैन लगने वाले हैं इस पूरे ब्रिज के ऊपर। अगर मैं दिसंबर के प्रोग्रेस से कंपेयर करूं तो दिसंबर में आप देख सकते हैं कि टॉप डेक के स्लैब का कास्टिंग का काम चल ही रहा था, किसी भी स्लैब के ऊपर कास्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। बट इन अप्रैल 2024 यू कैन सी काफ़ी सारे स्लैब्स के ऊपर कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इनफैक्ट नागपुर साइड से भी कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इस वैनगंगा रिवर के ऊपर बन रहे ब्रिज के एंड होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिटुमिन रोड का लेइंग का काम अभी चल ही रहा है। इनफैक्ट डिवाइडर को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। और सामने ही आपको एक 60 मीटर लंबा मेजर ब्रिज दिखाई देता है विद अ स्पैन ऑफ 20 मीटर ईच, यानी कि 20 मीटर का 3 स्पैन लगा है इस 60 मीटर लंबे मेजर ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के आगे का भी प्रोग्रेस सेम ही देखने को मिलेगा आपको। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे सर्विस लेन के ऊपर भी काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, और आगे आपको फिर से अर्थवर्क होता हुआ ही नजर आएगा। अर्थवर्क एज इन एस फिल करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इन एरियाज में आप देखेंगे तो सर्विस लेन का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, बट जो मेन बाईपास का एरिया है वहाँ पे करंटली एस फिलिंग ही किया जा रहा है। और यहाँ से आगे जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ऑलमोस्ट एरियाज में आप देखेंगे कि बिटुमिन रोड लेइंग लगभग कम्प्लीट हो चुका है। बट मैं आपको बता दूँ, जितना भी एरिया जो एलिवेटेड है वहाँ पे अभी भी सिर्फ एस फिल करने का काम किया जा रहा है। जितना भी प्लेन सेक्शन है उसे पहले कंप्लीट कर लिया गया है और वहाँ पे बिटुमिन रोड लिंक तक काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नागपुर के साइड वापस चलेंगे और उस एरिया में भी देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या कुछ काम हो रहा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा।
करंटली आपको अपने स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में एक रोड दिखाई दे रहा होगा जो है एग्जिस्टिंग टू लेन रोड जो कि भंडारा टाउन को क्रॉस करती है, और यही टू लेन रोड है नेशनल हाईवे नंबर 53 और इसी जगह से बाईपास का ग्रीनफील्ड का एरिया शुरू होता है। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था एक टोल प्लाजा हुआ करता था इस एरिया में जो अभी भी वहीं पे है, उसको बड़ी जल्दी यहाँ से हटा दिया जाएगा जस्ट बिकॉज कि वो इस बाईपास प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, और बहुत जल्दी ये पूरा एरिया आपको 6 लेन में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा इन कमिंग डेज। और ये दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 53 पे बना एग्जिस्टिंग टू लेन रोड ब्रिज। पैरेलली आपको एक और ब्रिज दिखाई देता है, दूसरा जो ब्रिज है वो सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए है, और कभी भी अगर रेनी सीजन में बारिश ज़्यादा हो जाती है उस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है कि नदी में पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जब भी वैनगंगा नदी में पानी का लेवल बढ़ता है और दूसरा ब्रिज बंद होता है तो उसका सारा ट्रैफिक का दबाव नेशनल हाईवे नंबर 53 पे बने इसी वैनगंगा ब्रिज के ऊपर आ जाता है, तो अब ऐसी बात है कि ट्रैफिक जैम तो लगेगा। वैसे आपको बता दूँ वैनगंगा रिवर एकलौता ऐसा रिवर है इस एरिया में जिसमें सालों भर पानी रहता है, ये कोई सीजनल रिवर नहीं है। इनफैक्ट जब बारिश ज़्यादा होती है तो वैनगंगा रिवर का पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी जगह से हमने प्रोजेक्ट का अपडेट देखना शुरू किया था, अब आइए यहाँ से चलेंगे नागपुर के साइड और देखते हैं नागपुर की तरफ कितना कुछ काम हुआ है। यहाँ से आगे आप देखेंगे मेजॉरिटी एरियाज में आपको रोड लिंक कम्प्लीटेड ही दिखाई देगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, या तो कंप्लीट दिखाई देगा या फिर कंप्लीट होने वाला है। फिर हम आगे चलते हैं तो आपको दिखाई देगा एक मेजर ब्रिज कम VUP यानी कि वेहिकुलर अंडरपास, और यह ब्रिज ऑलमोस्ट बनके रेडी हो चुका है। इस ब्रिज पे 3 स्पैन्स लगे हैं, 20 मीटर का एक स्पैन लगा है और 12 मीटर का एक स्पैन लगा है, और तीसरा स्पैन 22.420 मीटर्स का है। करंटली ब्रिज के लिए अप्रोच रोड बनाने का काम चल रहा है, वो भी एश फिलिंग करने का ही काम किया जा रहा है। यहाँ से आगे चलें तो एक लंबा स्ट्रेच आपको एज इट इज दिखाई देगा, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। बिटुमिन रोड लिंक कम्प्लीटेड हो चुकी है, एज वेल एज डिवाइडर एंड क्रैश बैरियर्स भी इंस्टॉल हो चुका है। साथ में आप देखेंगे तो सर्विस लेन का भी काम लगभग कम्प्लीट हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम पहले देखते आए हैं एलिवेटर सेक्शन के ऊपर सिर्फ एस फिल करने का काम किया जा रहा है इस पूरे बाईपास सेक्शन में, और यहाँ पे भी प्रोग्रेस सेम ही देखने को मिलेगा आपको। जो एरिया एलिवेटेड पार्ट होने वाला है उसके लिए जो अप्रोच रोड बनेगा वहाँ पे करंटली एस फिलिंग का ही काम किया जा रहा है। और फिर हम आ जाते हैं उस एरिया में जहाँ से ये बाईपास पुराने नेशनल हाईवे नंबर 53 से कनेक्ट होने वाला है। यहाँ भी आपको एक फ्लाईओवर दिखाई देता है, ये फ्लाईओवर भी लगभग बन के तैयार है। इसके ऊपर लगे हैं 24 मीटर के 2 स्पैन और 30 मीटर का एक स्पैन, यानी कि टोटल 3 स्पैन के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। और यहाँ से आगे फिर से आपको अप्रोच रोड के ऊपर एस फिल होता हुआ नजर आ जाएगा, और फाइनली इस पॉइंट पे आके हमारा ये बाईपास प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। वैसे आपको बता दूँ यहाँ से आगे नागपुर रिंग रोड तक ये पूरा जो रोड है वो 4 लेन रोड है, बहुत जल्दी सरकार इसे भी
सिक्स लेन बनाने वाली है जो कि इसी पार्ट का फेज वन है। आई थिंक ये फेज टू है और वो आई गेस फेज वन है। आपका क्या ख्याल है भंडारा बाईपास को लेकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर भरिए, सुरक्षित रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाय बाय।